हर गांव में कोई ना कोई समस्या देखने को मिल ही जाती है। बरारसी के सहघाट गांव उनमें से एक है जहां समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आज हम एक ऐसे ही गांव की बात करेंगे जहां विकास कार्य तो रुका ही है, साथ में बारिश की वजह से कीचड़, मिट्टी, रोड खराब, इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए ले चलते हैं आपको वाराणसी के ग्राम सहघाट में, जहाँ के ग्राम प्रधान राजेश वर्मा से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि गाँव के रास्ते में पानी की निकासी की समस्या को लेकर बोले, उसमें जिला पंचायत के माध्यम से कार्य हुआ है जो कि उन्होंने कार्य किया, आधा अधूरा काम करके छोड़कर चले गए हैं, पूरा काम नहीं किया है। उनको हमने बोला था तभी बोले कि अब ये काम कीजिए। प्रधानमंत्री योजना को लेकर बताया, शौचालय योजना को लेकर तहत पहले भी बहुत कुछ कार्य हुआ है और कुछ हमारे माध्यम से भी दो बार की लिस्ट गई थी आया है, उसमें कुछ शौचालय बना है और कुछ लोग का बन रहा है। हमारे गांव में एक समस्या है आवास की, 2 साल हुआ हमारे प्रधान बने, अभी तक एक आवास आ पाया है और हमने करीब 12 आवास के लिए फिर एक लिस्ट जारी की है। 2014 की लिस्ट जब खत्म होगी तब जाकर ये लिस्ट आएगी। ऐसे सवाल जवाब के बाद हमारी टीम पहुंची ग्रामवासियों के पास। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर बन जाए, बरसात में गाड़ी लेकर आए, दिन रात गिरते रहते हैं और हम भी गिर रहे थे और भी कई लोग गिर चुके हैं, हाथ पैर टूट जाएगा तो कौन करेगा दवा, पीला मिट्टी है, स्लिप खा जा रहा है गाड़ी। वही एक छोटी बच्ची जो स्कूल जाती है उससे बात हुई तो बोले कि लोग स्कूल जाते हैं फिसल कर गिर जाते हैं, ड्रेस गंदा हो जाता है, हम लोग कैसे जाएं, कीचड़ हो गया, बरसात के समय बहुत समस्या हो रहा है। प्रधान जी प्रयास कर रहे हैं बनवाने का, मगर जो खुदा के गए हैं वह तो बनवा ही नहीं रहे हैं। अब यह सड़क देखा बा, गिर पर के आदमी का हाथ गोड़ टूट जात बा, आई बन नहीं पावत बा, प्रधान जी प्रयास करत बान तो बने नहीं देत बान, के बन न दे, यह जैसे कि आवाज आए में इतना परेशानी बा, आवत बान सब चल जात बान, पब्लिक को नहीं बना देत बान कि रहे दे सही, गिरा द परा द, अरे देखा यह गिर गल है, देखा इतना हाथ कट गल बा, गोड़े में घाव लग गल बा, बड़ी परेशानी है, यार घर द्वार नहीं बन पावत बा, देखा इतना हमने ऐसे ही रहत भाई कूड़ा करकट में, हम ना रहते हम के काम कुछ बात, हमारा समा देवी कहना चाहते कि सड़क बन जा, और का आदमी इतना गाड़ी लेके जब बारिश लग, कितना गाड़ी वाला गिर जाना, आदमी गिर जाना, हम गिर गई ली, एक दिन कर माई गिर गई ली, कितनी पबली हाथ गोड़ टूट जाए तो क्या करी दवाई, सब मुसीब भारी भारी गाड़ी लेकर बिछिल जाते, पियरी मट्टी पे स्लिप खा जाता हो, के कहाँ जाई कहे तेरे पन, हाँ सात भर के ऊपर ही हो गल है, इतना गड्ढा तो बारिश में पानी भी जमा हो जाता है, जोने की वजह से सिलकन हो जाता है, बाइक ले जाए में दिक्कत होता, हर कार्य में दिक्कत होता, बहुत कोई गिर गल है, हाथ पैर टूट गल है, तो ओके जल्दी से जल्दी रिपेयर करवावा, प्रधान जी से भैया भैया कैले रलन पर कौन अथवा नहीं बा, नेता तन कौन आरत रोल तो चला से हम बनवा के नाप जो ले गए अभी बनता है। वाराणसी हम लोग जाते हैं पढ़ने तो गिर जाते हैं, चोट लग जाती है पैर में, कीचड़ में गिर जाते हैं, ड्रेस गंदा हो जाता है और टीचर डांटती है क्यों ड्रेस गंदा हो गया है, तो हम लोग को ये दिक्कत हो रहा है, सड़क बनवाना चाहिए तो क्यों नहीं बनवा रहे प्रधान, प्रधान जी प्रयास कर रहे हैं बनवाने के लिए, जो खुदा जी हैं वो तो बनवा ही नहीं रहे हैं, क्या कर सकते हैं, गिर जाते हैं आप तो। मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज, जिस तरह से आपको फोर्थ पिलर न्यूज हमेशा दिखा रही है कि गांव की जो स्थिति है वो दिखा रही है, साथ ही साथ ग्राम प्रधान कितना विकास करवाए हैं अपने कार्यकाल में, यह भी आपसे रूबरू करवा रहे हैं। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंच चुकी है इस बार ग्राम सघट में और हमारे साथ यहाँ पे ग्राम प्रधान राजेश वर्मा जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ समस्या उनके गाँव में उत्पन्न हो रही है, क्या कुछ बदलाव आया है उनके ग्राम प्रधान बनने के बाद, और साथ ही क्या क्या ऐसे काम कितने बचे हैं जो अभी उन्हें करवाना बाकी है, आइए उनसे बातचीत करते हैं पूरा परिचय। ग्राम स्वासघाट ग्राम प्रधान राजेश वर्मा जी, आपसे यह जानना चाहेंगे प्रधान जी, जिस तरह से हम अभी आपके गांव से आ रहे थे, कई रास्तों में हमने देखा और कुछ लोगों से भी बात की कि रास्ते में जो पानी निकासी की समस्याएं थी उसके लिए कुछ चीजें बन रही थी पर वो पूरा अधूरा है, अभी काम नहीं हुआ, उस पर क्या कुछ कहेंगे? उसमें जिला पंचायत के माध्यम से कार्य हुआ है
क्योंकि उन्होंने कार्य किया, आधा अधूरा कार्य करके छोड़ के चले गए हैं जी। वो पूरा कार्य नहीं किए, वो उनको हमने एक आध दो बार कहा भी तो वो बोले कि अब ये आप अपने निधि से काम करिए, जो कि हम लोग के पास कोई निधि ऐसा नहीं है कि हम लोग कार्य कर पाए। जो हम लोग की निधि थी वो निधि 15% क्षेत्र पंचायत, 15% जिला पंचायत, अब 15% गौवंश में चली गई है, जो कि हमारे गांव का बजट भी बहुत कम है। अब जो बजट बचा ही नहीं तो हम लोग कौन सा विकास गांव का करेंगे, और हम लोग जो है आता उसी में मानदेय भी देना है, और उसके बाद जो बचता है उसमें विकास कर रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि जो बजट है उसी के माध्यम से विकास कर रहे हैं। अच्छा, मतलब पूरी तरह से वो आधा काम रोक दिया और कहते हैं कि बजट अभी पास नहीं हो पाया है। साथ ही यह भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो गांववासी हैं वो बहुत परेशान दिख रहे हैं, जो महिलाएं हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, उनका भी यही कहना है कि बहुत मुश्किल होता है, वो गिर जाती हैं उस रास्ते से जाती हैं, तो आप तक क्या रखती हैं बातें? हमारे पास महिलाएं आती हैं, हमसे अपनी शिकायत करती हैं कि प्रधान जी जो ये नाला लगा है, नाला के माध्यम से हम लोग को आने जाने का बहुत समस्या है, कभी बारिश हो जाती है तो अपने घर तक नहीं पहुंच पाते हैं, कितना लोग गिर गए, उनके हाथ भी फ्रैक्चर हो गए, कितने लोग की गाड़ियाँ टूट गई, अब वो अपना घर मकान भी नहीं बनवा पा रहे हैं, शादी विवाह नहीं कर पा रहे हैं, तो इतने समस्या में है कि वो अपने घर खेती का अनाज भी नहीं लेके जा पाते हैं, वो सब कैसे कैसे जी रहे हैं वो तो गाँव के ही लोग जानते हैं, और उस कष्ट को मैं झेलता हूँ। ये क्योंकि आप ग्राम प्रधान भी हैं, लोग आप तक रखते होंगे बातें, आपको भी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, तो जिस तरह से आपने बताया कि बजट भी पास नहीं हुआ, ये सारी चीजें लोगों का जो अधिकारी हैं उनका कहना भी होता है, तो क्या कुछ और सोचा है आपने कि क्या और कहीं शिकायत की? नहीं, और हमने शिकायत किया जिससे कि मुख्यमंत्री पोर्टल पे हमने शिकायत किया, उस शिकायत में वहाँ से आया, और आने के बाद कुंवर बिरन जी और उनके जेई साहब आए, ये गांव में आकर आश्वासन दे चले गए कि भाई ठीक है, इतना हम देखते हैं किसी निधि से हम उसको जल्द से बनवा देंगे, जो कि आज चार महीने हो गया उनके जाने के बाद, फिर कोई न तो वो दोबारा आए न तो दोबारा कुछ किए, अब ऐसे पड़ा हुआ है और गांव के लोग ऐसे ही झेल रहे हैं अभी तक जी। आपसे यह भी जानना चाहेंगे इस गांव को ही लेकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई सारी योजनाएं हैं जो आती हैं, क्या इस गांव को लाभ उसका मिल पाता है, जिस तरह से आवास योजना की बात की जाए या शौचालय योजना की? नहीं, शौचालय योजना की प्रधानमंत्री की जो योजना है उसमें तो उनका पहले से भी कार्य हुआ है, और कुछ हमारे माध्यम से भी दो बार की लिस्ट गई थी आया है, उसमें कुछ लोग का बना है, कुछ लोग का और बन रहा है, लेकिन हमारे गांव में एक समस्या है आवास की जी। जो कि आवास की समस्या ये है कि अभी तक जब से हम 2 साल प्रधान में हो गया अभी तक एक आवास आया आ पाया है, और हमने करीब 12 आवास के लिए फिर एक लिस्ट जारी की है, जो कि अभी ये होता है कि 2014 की लिस्ट चल रही है, जो 2014 की लिस्ट जब ख़त्म होगी तब जाके ये लिस्ट आगे जाएगी। तो समस्या हमारे गांव का है कि जो लोग आवास के पात्र हैं वो लोग एकदम मड़ी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको कोई विकल्प कोई व्यवस्था नहीं है, वो बेचारे बारिश में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत कष्ट में रहते हैं, योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, आवास जैसी योजना नहीं पहुंच पा रही है उन तक। यह भी जानना चाहिए, आपने कारण तो बता दिया कि 2014 को लेकर आपने ये चीज़ें बताई हैं, साथ ही आगे जब आप बाकी जाते हैं बात करते रहिए, तो और भी कब ये आवास योजना पास होगा, क्या चीज़ें हैं उस पर क्या कहेंगे? उसमें हम लोग जैसे एक मीटिंग हम लोग को हुई थी 8 तारीख को, तो उसमें ये हम लोग बात को उठाया गया, तो उसमें ये हुआ कि भाई अभी जो है 14 की लिस्ट जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि दूसरा कोई फार्म भरा जाएगा या दूसरा कोई लिस्ट आगे जाएगी, अभी जो भी हम लोग लिस्ट दिए अभी ब्लॉक पे ही पड़ी है जी। अभी आगे नहीं गई है न तो आगे कोई उसका कार्रवाई हुआ है जी। और भी योजना जैसे वृद्धा पेंशन योजना हो गई, तो क्या ये सारी पेंशन योजनाएं जो निकली हैं उनकी लाभ मिल पाती है आपको? हाँ, पेंशन योजना जो है पहले से भी हमारे गांव में पहले किसी बहुत लोग का भरा गया था, उन लोग को मिल रहा था, फिर हमने भी अपने कार्यकाल में कम से कम 25 लोग का अभी तक करवा दिया, उनका उन लोग का भी आ गया है, तो पेंशन योजना का जो सिस्टम है गवर्नमेंट का वो ठीक है, अच्छा चल रहा है जी। पर आपसे यह भी प्रधान जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि बदलाव अगर बात की जाए अभी बदलाव आपके जो गाँव है उसमें नहीं दिख रहा है, मेन कारण क्या रहा? बदलाव में रहने का कारण ये है कि हम लोग को बजट बहुत कम है, जैसे हमारे गांव में काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है,
अगर पूरे गांव में जैसे कि नाला हो या आपका रोड है या चौक रोड है, मतलब जो भी गांव की बहुत से सारी समस्याएं हैं, उस समस्या में हम लोग का बजट इतना ज़्यादा कम है कि हम उस बजट में मानदेय से लेकर जो गांव का बजट कटने के बाद हम लोग का 2 से 2.5 लाख बजट बच रहा है सलीना, जिसके उस सलीने बजट में हम लोग गाँव का कोई विकास नहीं कर पाए हैं कि भाई किसी काम में कहीं काम लगाते हैं, कोई काम है 5 लाख का, अब 5 लाख काम हम 2 लाख में कैसे करा पाएंगे, अब उस काम को हम कर ही नहीं पाएंगे, किसी वजह से हम लोग कोई विकास नहीं कर पाए हैं। जो विकास पहले हम लोग किए, जैसे आज के साल भर पहले हमारे खाते में बजट था, ये गवर्नमेंट का ये नियम नहीं था कि मतलब 15% या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत ये नहीं कर रहा, ये अभी जाके 22 में चालू हुआ है। अच्छा, ये 21 में मतलब हम लोग पास बजट आया था करीबन 20 लाख के लमसम, जिसमें हमने आंगनबाड़ी बनवाया, स्कूल बनवाया, पंचायत भवन बनवाया और रोड बनवाया, नाला लगवाया, हमने जो मतलब करीबन ऐसे ऐसे 200 काम किया जो कि हमारे गांव के लोग बहुत सराहना करते हैं हमारे काम को। लेकिन इसमें इसलिए है कि कोई बजट ही नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है कि हम लोग करें क्या करें, हम लोग केवल बैठे पड़े हैं, बस जाति निवास यही सब गांव को लिख के दे रहे हैं, अब हम लोग का बस यही है कि अब खाली बैठ के जाति निवास लिखे, मतलब क्योंकि कार्य का विकल्प आपके पास अभी जो करवाने का कुछ नहीं रह गया, ये बजट आप जिस तरह से बोले कि पास भी नहीं हो रहा है, जो इससे अधिक अधिकारी भी हैं वो उनका भी बहुत कुछ कहना रहता है इस पर। यह भी जानना चाहेंगे कि स्वच्छता अभियान जिस तरह से चल रहा है गाँव को पे ज़्यादातर इस पर ध्यान रखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी, यूपी सरकार के द्वारा भी, तो क्या स्वच्छता अभियान पे कैसा क्या कुछ चल रहा है आपके गाँव में? स्वच्छता अभियान के माध्यम से तो सब ठीक है, जैसे कि ठेला गाड़ी मिली है और सफाई कर्मी है वो भी अपना काम करता है हर तरह से, मतलब जैसे कोई चूना छिड़काव, ब्लीचिंग छिड़काव, ये सब सारे काम हो रहे हैं। स्वच्छता के मामले में तो ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है स्वच्छता के मामले में, लेकिन रह गया कि समस्या ज्यादा हमारे गाँव की जीतेली तो वही रोड, ये नाली नाला, ये सब लेकर है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने गाँव वासियों को? संदेश हम यही देना चाहेंगे कि भाई जो हमसे हो रहा है हम वो कर रहे हैं, अपनी प्रयास में लगे पड़े हैं, आप लोग धैर्य रखिए, हम उस कार्य को जो वादा किए हैं वो पूरा करेंगे। आप देख सकते हैं हम अभी ग्राम संघर्ष में थे और साफ तौर पे यहाँ के जो प्रधान है राजेश वर्मा जी, उनका यही कहना है कि जो कार्य है वो रुके हुए हैं क्योंकि बजट भी नहीं आ रहा है, साथ ही जो अधिकारी भी हैं उनकी तरफ से भी कई ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं जो जिसकी वजह से कार्य रुके हुए हैं, उसमें रुकावटें आ रही हैं और लोगों को अगर यहाँ के गाँव वासियों की बात की जाए तो उनको बहुत सी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है रोजाना अपने जीवन में, तो जिसको लेकर उनके अंदर भी जो है आक्रोश वो भी दिखता है। साथ ही ग्राम प्रधान भी जो है उनसे बात किया हमने और वो भी अपनी जो समस्याएं जो उन्हें होती है चीजों को लेकर वो भी उन्होंने रखा है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, 4th पिलर न्यूज़।